नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजब अनुका में। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही लकी प्लांट क्रासुला ऑगस्टा की रिपोर्टिंग करने वाले हैं। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग की हमको ज़रूरत कब पड़ती है? यदि हम नर्सरी से लेके आते हैं तब, या फिर हमारा प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा होता है तब। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने इसे नर्सरी से लेके आई हूँ और इसे आए हुए मेरे घर में लगभग 1 मंथ अप्रॉक्स हो गए हैं और अब जाके मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। उसका कारण ये है कि अब मेरे घर के एटमॉस्फेयर से फैमिलियर हो गया है, इसलिए अब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। तो आप भी जब भी प्लांट लेके आएँ तो उसको फैमिलियर होने दीजिए, इसके बाद ही आप रिपोर्टिंग कीजिए, अप्रॉक्स 1 वीक के बाद। अब फ्रेंड्स, ये देखिए, इसके लिए मैं बहुत छोटा पॉट ले रही हूँ। हमें इसके लिए ज़्यादा बड़ा पॉट नहीं लेना है क्योंकि ये एक सैक्यूलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। सैक्यूलेंट को बहुत ज़्यादा कम पानी की आवश्यकता होती है। यदि मैं ज़्यादा बड़े पॉट में ये सोच के शिफ्ट कर दूँगी कि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ा पॉट होगा उसमें वाटरिंग ज़्यादा होगी। इवन हम उसमें जो फर्टिलाइज़र देंगे वो भी ज़्यादा पड़ेंगे, तो उससे हमारा पौधा बहुत जल्दी मर सकता है ओवर वाटरिंग की वजह से। इसलिए हमको पॉट का साइज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हमें छोटा ही पॉट लेना, कोई भी सैक्यूलेंट के लिए हमें छोटा पॉट लेना है। फिर जब वो बड़ा हो जाए तो इसके बाद हम भले ही उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं, बट हमको छोटा पॉट का विशेष का ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैंने छोटा पॉट लिया है। फिर फ्रेंड्स, आप इसका ड्रेनेज होल बहुत अच्छा बना के रखिए। ये देखिए, इसमें आप चाहें तो दो एक और ड्रेनेज होल बना सकते हैं। ड्रेनेज होल का बहुत इंपॉर्टेंस है, बिना ड्रेनेज होल के तो कोई भी प्लांट नहीं लगाना चाहिए, पर खासकर सैक्यूलेंट के केस में ड्रेनेज बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं, मैं और थोड़ा सा बड़ा ड्रेनेज वाला यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। तो आपके ड्रेनेज होल बहुत बढ़िया होना चाहिए। अब इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए हम यहाँ पर कोई भी, आप इस तरीके से कोई भी पत्थर ले सकते हैं, इसको इस तरीके से कवर करना। ये कवर करना इसलिए ज़रूरी है ताकि यहाँ से आपकी जो सॉइल है बाहर ना जाए, या किसी तरीके से ये ड्रेनेज होल ब्लॉकेज ना हो जाए। यदि ये ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा कि पानी स्टोरेज होने लगेगा और इसकी रूट जो होती है क्रासुला की या कोई भी सैक्यूलेंट की, वो बहुत जल्दी गल जाती हैं। रूट रॉट की प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है, इसलिए आपको ड्रेनेज अच्छा रखना है। या फिर आप इस तरीके से जो कैरी बैग हम मार्केट से हमें मिलते हैं, हम कोई भी शॉपिंग करके लेके आते हैं, तो जो आजकल जो कागज़ वाले जो बैग चल रहे हैं, तो वो हम उसका एक एक पीस काट के इस तरीके से लगा सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया काम करता है। इससे क्या होता है, मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है वो पॉट में ही रहता है और पानी बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर इसका एक जो पीस काट के यूज़ कर रही हूँ। अब फ्रेंड्स, इसके लिए हमें स्पेशल सॉइल मिक्सचर की ज़रूरत होती है। अब स्पेशल सॉइल मिक्सचर मैंने इसके लिए तैयार करके रखा है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें एक भाग कंपोस्ट मिलाया हुआ है, इसके बाद एक भाग इसमें कोको पीट है, इसके बाद मैं अभी इसमें सैंड मिलाऊंगी एक भाग, और एक भाग जो है हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से बता दें, एक भाग हमने इसमें कंपोस्ट मिलाया हुआ है, एक भाग हमारी नॉर्मल गार्डन सॉइल है, और एक भाग हमने मिलाया हुआ है इसमें, अभी हम सैंड मिलाएंगे, और एक भाग जो है हमने कोको पीट मिलाई हुई है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसमें सैंड और मिला देती हूँ। मैंने इसमें सैंड नहीं मिलाई है, अब मैं इसमें थोड़ी सी सैंड मिलाऊंगी। तो सैंड की मात्रा इसमें ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि सैंड जो है हमारी ड्रेनेज जो है बहुत अच्छा रखती है, वाटरिंग जो है वो स्टोर नहीं होने देती वाटर को, तो इसलिए ये ड्रेनेज को बहुत बढ़िया मेंटेन करती है। खासकर सैक्यूलेंट के केस में रीत जो होती है, रिवर सैंड, वो बहुत ही बढ़िया जो है वो होती है। ये देखिए, तो इस तरीके से भुरभुरी मिट्टी हमको बिल्कुल बनानी है, बहुत ज़्यादा, जितनी भुरभुरी हो। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें आप पर्ल लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। पर लाइट यदि आपके पास हो तो आप उसको यूज़ करें, बिल्कुल डेफिनेटली वो यूज़ करें। अभी मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मैं इसी तरीके से सॉइल मिक्सचर बना रही हूँ। उसमें भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा, उसको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़िया से ग्रोथ होगा। बट यदि आपके पास वो है तो सैक्यूलेंट के लिए वो बहुत बढ़िया चीज़ है पर लाइट। इसमें मैं बीच बीच में भी इस तरीके से सैंड मिलाती जा रही हूँ। सैंड बहुत ज़रूरी है सैक्यूलेंट के लिए, ताकि पानी बिल्कुल भी स्टोरेज ना हो। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें मिलाने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा ही चीज़। जी हाँ, कोई भी सैक्यूलेंट हो, खास करके जेड प्लांट और क्रैसुला और वस्त्रा हो, चाहे क्रैसुला की जो अदर वेराइटीज़ होती हैं, वो उसके लिए, सभी के लिए, आप यदि रूट रोट की प्रॉब्लम से परेशान हो, या फिर बहुत ज़्यादा पत्ते जो हैं समय पे बिना समय पे गिर रहे हैं, है ना, और पत्ते जो हैं पीले पड़ रहे हैं, जैसे कि ये काफ़ी मैं आप देख रहे हैं येलोइश हो रहा है, क्योंकि इसको अब न्यूट्रिशन की कमी है, इसलिए मैं इसको रिपोर्ट कर रही हूँ। मैं अभी इसको नर्सरी से लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की जो भी प्रॉब्लम है, ओवर वाटरिंग की प्रॉब्लम यदि आपके पास रहती है, आपके घर में धूप नहीं आती है, तो उन सबका सॉल्यूशन ये है। ये क्या है फ्रेंड्स, ये है हमारी जो वुडन एश होती है, जो वुडन कोल है, ये वुडन कोल
कोयले, लकड़ी का कोयला जिसको हम बोलते हैं, ये वो है। तो हम इसको मिलाएंगे मिट्टी में, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हम इसे मिला देंगे इसको क्रश करके। फ्रेंड्स ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो कोयला होता है, जो कोल होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये एक्स्ट्रा जो वाटर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। दूसरी चीज़ ये हमारी सॉइल को फंगल अटैक से बचाएगा, जो कि रूट रोट में एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि आप इस तरीके से, यदि आपको लकड़ी का कोयला ऑनलाइन वैसे मिलता है, यदि नहीं है तो आप कोई भी छोटी सी लकड़ी जला लीजिए, और उसके बाद जब वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाए इसके बाद उसे पानी से डाल के बुझा लीजिए। तो इस तरीके से आपको जो है वो अच्छा बढ़िया कोयला बन के तैयार हो जाएगा आपका घर पर ही, तो आप उसे ज़रूर डालें। इससे क्या होगा कि यदि कभी हमारे पास ओवर वाटरिंग होती है या फंगल अटैक होता है तो वो हमारे प्लांट को प्रोटेक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने निकाल लिया है, आप चाहे तो थोड़ा बहुत इसके नीचे की जो एक्स्ट्रा सॉइल होती है जहाँ पर रूट सिस्टम डेवलप नहीं है, ये देखिए आप इस तरीके से कई बार नर्सरी में भी हमें बेकार टाइप की जो है मिट्टी देखने को मिलती है, जैसे कंकड़ वाली आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कंकड़ यहाँ पर निकले हैं, इसमें बहुत सारे कंकड़ हैं, तो ये हम देख सकते हैं, तो ये काफ़ी सारी कंकड़ वगैरह है। तो आप जहाँ तक इसको जबरन के हमको नहीं हटाना, सिर्फ वही चीज़ हटाएँ जो क्या बोलते हैं आपको लग रहा है एक्स्ट्रा हम निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा ये क्रेसुलर की जो रूट्स हैं वो ज़्यादा लंबी नहीं जाती है, ये देखिए कितना बड़ा कंकड़ निकला हुआ है उसमें, काफ़ी बड़ा हुआ निकला हुआ है। आई डोंट नो ये कैसे करा है नर्सरी वालों ने, बट इसलिए शायद इसका कलर इस टाइप का हो रहा है। अब हमने इसको बढ़िया से पॉट में शिफ्ट कर दिया है, अब इसके बाद हम इसमें और जो हमारे पास ऐश बची हुई है, सॉरी जो कोयला बचा हुआ है वो हम डालेंगे। इसके बाद हम वापस से इसको जो हमारा सॉइल मिक्सचर है उसे कवर करेंगे, सैंड डाल देंगे इसमें काफ़ी मात्रा में। देखिए फ्रेंड्स इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की डिमांड नहीं होती है, आप एक बार यदि इसमें सॉइल मिक्सचर अच्छा बना लेते हैं तो इसके बाद आप इसे महीनों फर्टिलाइज़र भी नहीं देंगे तो भी आराम से सर्वाइव करेगा। ये सीज़न जो समर सीज़न है इसकी ग्रोथिंग पीरियड होती है, इसलिए आप यदि सैकुलेंट लेके आने की सोच रहे हैं तो ये बहुत बढ़िया सीज़न है। क्रासुला जेड प्लांट ये तो बहुत लकी प्लांट है, कहते हैं इनको घर में रखने से बहुत बढ़िया धन की वर्षा होती है, हमारी प्रॉस्पेरिटी में जो होता है बहुत बढ़िया होता है हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो इसलिए हम इसे घर में लगाते हैं। और हम इतने जब प्लांट लगा रहे हैं तो इसे भी लगाने में क्या हर्ज है, तो इसलिए प्लीज़ जरूर लगाइए। बस जो सॉइल मिक्सचर मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखिए, पल लाइट यदि हो तो वो लगा सकते हैं, बाकी आप इस तरीके से वेल ड्रेन्ड सॉइल रखना है, इसको पानी बहुत कम देना है। यदि आप इसको महीनों में एक बार भी पानी देंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाएगा, बट यदि आपने इसको ज़्यादा प्यार दिखाया और बहुत ज़्यादा पानी दे दिया तो पक्का ये डाई होने वाला है। तो इसलिए इसको ज़्यादा प्यार ना दिखाएं, कहने का मतलब ये है कि इसमें ज़्यादा वाटरिंग ना करें, और इसे आप दिन की सुबह सुबह की धूप में आराम से रख सकते हैं, बढ़िया से चलता है, इसको धूप की ऐसी कोई भी वो नहीं है कि इसको धूप नहीं देना है, इसको बढ़िया से आप धूप दीजिए। तो ये इसके बाद ये आपका पौधा तैयार है, और जो भी आपको क्वेरी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये सारी पौधे जो मैंने रिपोर्टिंग किए हुए हैं इसकी भी आपको सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। फ्रेंड्स मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, तो सबसे अच्छा है कि आप मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे इसको विज़िट कीजिए, आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मेरा चैनल में आपको आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस भी मिल जाएगी। आई होप फ्रेंड्स आपको ये पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाने बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।